भाड़ में जाए। तुम अपनी लीगल शादी पे फोकस करो ना बेटा, कैम को उसके अपने हाल पे छोड़ दो, धानिया पे तवज्जो दो। समझ में नहीं आ रहा बेटा, तुम ये रोमांटिक हीरो वाले मोड से कब निकलोगे और सिर्फ शौहर कब बनोगे? इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं, तुम खबर नहीं देख रहे? अभी न्यूज में चला है सारा। और सुबह नहीं चलाना तुमने, इट्स नॉट अ जोक बेटा। यहाँ भी तो आपने औरत के चक्कर में रोके है ना। दानिया कोई आम औरत नहीं है, खानदानी बहू है। और खानदानी बहू ना एक शौहर की जिंदगी में चार चांद लगा देती है, और सियासी तौर पे ना वो तुम्हारी ट्रंप कार्ड है। सिंपथी वोट है बेटा, समझा करो। अब ये सब उसी झंझटों से निकल जाओ और सिर्फ दानिया पे फोकस करो, उसको अपने इश्क में मुब्तला करो ताकि वो तुम्हारे साथ खड़ी रहे। हमें उसकी अभी जरूरत है। मैंने कोशिश तो की है मॉम, मगर वो खुदा के वास्ते कैम तुम्हारा माजी है बेटा, दानिया तुम्हारा मुस्तकबिल है। ये रिस्क अब नहीं उठा सकते कि वो हाथ से निकल जाए। जहां तक कैम का ताल्लुक है, वो तुम्हारे बच्चे की माँ है, उसे मोहब्बत करती, वो कहीं नहीं जा रही। तुम्हें कुछ प्रैक्टिकल समझ में नहीं आ रहा? बाबा को गए हुए कितने दिन हुए बेटा, मुझे तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत है। You can't do this to me. देखो, दानिया के पाँव में ना औलाद की जंजीर डाल दो बस, उसके बाद वो कहीं नहीं जाएगी। कैम आए ना आए, दानिया को कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि वो अपने बच्चों के बारे में सोचेगी ना। वो अपने बच्चों का फ्यूचर खराब नहीं करेगी, और खानदानी बहुएं ना ये सब कुछ बहुत सोच समझ के करती हैं। ऐसे अपनी जिंदगी और अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद नहीं करती। अनलाइक ये कैम शैम जो पता नहीं कहाँ पली हैं। चोरी छुपे की तन्हाई छोड़ो और जाओ अपनी बीवी के पास, मनाओ उसे और उसे घर लेके आओ खुदा के वास्ते। ओके मॉम।